के लिए जोरदार तालियां हो जाए पहले आगे से लेकर पीछे तक। और अब सुनते हैं उनके मुख से जो पहुंचे हैं नंबर वन की पोजीशन पर। जुबान पर मेरा नाम ना हो तो मैं हर एक आदमी का नाम नहीं जानता दोस्त, पर इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हजूर आप आए, बहुत शुक्रिया। दोस्तों कहते हैं कि एक चोट खा के कंकड़ कंकड़ हो गया, एक पत्थर चोट खा के कंकड़ कंकड़ हो गया और एक पत्थर चोट छह के शंकर शंकर हो गया। दोस्तों कहते हैं दिल्ली दिलवालों की है और वैसा ही है। एक दिलवाला हमारे माननीय मिस्टर ऋषि सहदेव जी, जिन्होंने दिल से इस सिस्टम को बनाया, जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। दोस्तों ये दिल वालों का ही बिजनेस है। एक महान चित्रकार से एक बार कहा कि दिल का एक सुंदर सा तस्वीर बनाओ, दिल की एक सुंदर सी तस्वीर बनाओ। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, दिल की एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर बनाई और उसके अंदर एक बहुत सा खूबसूरत सा दरवाजा लगाया। सब लोगों ने बड़ी तारीफ की, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में नुक्स निकाले, कहा यार ये जो तूने दरवाजा लगाया ना, इसको खोलने के लिए हैंडल नहीं लगाया। तो उस इंसान ने, उस जो मूर्तिकार था, जो चित्रकार था, उस इंसान ने खूबसूरत सा जवाब दिया कि दोस्त ये दिल के दरवाजे हैं, ये बाहर से नहीं अंदर से खुला करते। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि दुनिया की सबसे उपजाऊ जगह कौन सी है? देहरादून, हिमाचल, राजस्थान, एमपी। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कोई है तो वो दिल है। इसमें जो भी जो दुगना होके बाहर निकलता है। अगर आप ये भेजेंगे कि यस मैं कर सकता हूं, तो दोस्तों कई हजार गुना होके ये निकलेगा, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। अगर आप ये बीजोगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो हजार गुना ज्यादा पन होके निकलेगा, पैदावार होके निकलेगी कि यस तू सही बोल रहा है, तू नहीं कर सकता। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे बादल में पानी छुपा है और पत्थर में आग, तेरी किस्मत तुझ में छुपी है, तेरी सफलता तुझ में छुपी है, तेरा भाग्य तुझ में छुपा है, जाग सके तो जाग। जैसे बड़ा खूबसूरत शब्दों में लिखा हुआ है 1414, लेकिन दोस्त मैं गुरु नानक साहब को बहुत मानता हूं, उनको तो 13 से आगे गिनती नहीं आई, 13 ही 13। तो दोस्त मैं ये कहूंगा कि पहले के 13 पूरे हो गए, आज से पहला दिन स्टार्ट हुआ। एक बार की बात है, एक बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ ना अपना हनीमून मनाने शिमला जाते हैं, दोस्त 25 साल की वो अपनी सालगिरह मना रहे थे, 25वीं सालगिरह। तो सारे लोग उनको बधाई देते हैं कि यार आप बड़े खुश हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, बड़े हैंडसम लग रहे हैं, क्या बात है, आपकी इस खुशी का राज क्या है? तो हस्बैंड स्टोरी सुनाता है कि जब हमारी शादी हुई तो हम हनीमून मनाने शिमला गए। बोला फिर, बोला हमको ना घुड़सवारी का बड़ा शौक था,
तो मेरी वाइफ का जो घोड़ा था ना वो कुछ अड़ियल जैसा था। हम थोड़ी दूर पे गए और घोड़े ने मेरी वाइफ को गिरा दिया। मेरी वाइफ उठी, घोड़े की पीठ पे हाथ मारा, कहती ये पहली बार है। हस्बैंड जीता रहा, कहता थोड़ी दूर हम आगे गए, 1.5-2 किलोमीटर और आगे घोड़े ने फिर वाइफ को गिरा दिया। वाइफ उठी, फिर घोड़े की पीठ पे हाथ मारा और कहा ये दूसरी बार है, और घोड़े पे बैठ गई। कहता हम थोड़ी दूर आगे गए, फिर घोड़े ने मेरी वाइफ को गिरा दिया। मैं देखता रहा, बोलेगी अब ये तीसरी बार है, घोड़े पे बैठ जाएगी। लेकिन उल्टा हुआ, उसने अपना पर्स खोला, रिवॉल्वर निकाला और घोड़े को मार दिया। मुझे गुस्सा आया, ये तूने क्या किया? कहती चुप, ये पहली बार है। कहता उसके बाद मैंने अपनी वाइफ से कोई सवाल ही नहीं किया। और दोस्तों याद रखो, 13 साल के बाद अब ये पहली बार है। आपके मान सम्मान प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स माय ऑल ग्रेट अपलाइंस, विक्की सर, गुरदीप सर, हैप्पी सर, बॉबी सर, सुरेंद्र सर, प्रीत एसोसिएट और बिहार टीम, एमपी टीम, संजय चौधरी जी, प्रेमराज साकला जी, नासिक टीम, बॉम्बे टीम, नितिन काले जी, प्रणव पटेल जी, छोटे ब्रदर टीएस दीवान जी। दोस्त बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, अगर कोई रह जाए तो दोस्त दिल की गहराइयों से आपको भी सलाम है, क्योंकि संजय दीवान यहाँ पर आज पहुंचा तो आप सबकी बदौलत पहुंचा है मेरे दोस्त। मैं लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि संभव क्या असंभव क्या, ये तो एक अडंबर है। संभव क्या असंभव क्या, ये तो एक अडंबर है। दोस्त अपनी उस शक्ति को पहचानो जो छुपी तुम्हारे अंदर है। पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ दोस्तों हम फिर दोबारा अगले साल इसी तरह 2 दिन को एंजॉय करेंगे। और आज वादा करके जाना है ऋषि सर के साथ कि ऋषि सर जी अगली जमीन को भी खरीद लो, क्योंकि अगली बार ये छोटी पड़ेगी। आर यू विद मी? दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं, खत्म। लेकिन नहीं, ड्यू सॉफ्ट वाले पता क्या कहते हैं कि जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं, लेकिन इतने भी अलग ढंग से नहीं करते कि दूसरा कोई कर ना सके। अगर मैं कर सकता हूं, मेरी अपलाइनें कर सकती है, तो दोस्तों आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। पहली बार है, दूसरी के बाद तो पता है गोली पड़ती है। ध्यान सर, मैं इसके बाद मतलब ये देखो काम रहा हूँ, पहली बार में नहीं है शुरुआत, पहली बार ये है। मैं आप समझ गए कि पहली बार है।